श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गंगा सप्तमी जो कि वैशाख मास में पड़ रही है रविवार के दिन, और रविवार के दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है, रवि पुष्य योग भी पड़ रहा है और गंगा सप्तमी भी पड़ रही है, तो इस दिन एक विशेष उपाय है जो आप लोग छोटा सा प्रयास करके देखिए। यदि आपके सबके घर में गंगा जल है और यदि आपका कोई काम बहुत समय से अटका हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा है, लाख प्रयास कर लिया लेकिन कार्य नहीं हो पाते, आप किसी कार्य के लिए जाते हैं वह कार्य बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है, आप निराश होकर घर आ जाते हैं, दिन से लगे हुए हैं, यह काम होना ही चाहिए लेकिन नहीं हो पाता, काफी परेशान हो चुके हैं, उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आप एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए। गंगा का जल निकालने के बाद आपको एक सिक्का लेना है, आपकी मर्जी है, आप एक का सिक्का लें, दो का लें, दस का लें, पांच का लें, जैसा भी आपको सिक्का लेना है, सिक्का ही लेना है, उसे आपको अपनी हथेली पर रखना है और ले जाना है किचन में, घर के जहाँ पर पीने का पानी का स्थान हो वहाँ पर ले जा करके आपको उस कटोरी को रखना है और उस सिक्के को अपनी हथेली पर रखकर कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए डाल करके रख दीजिए। और जब भी आप कहीं जाना हो उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं लेकिन वह कार्य नहीं हो पाता, आप जाने से पहले उस जल को अपने नेत्रों से लगा करके फिर निकलिए काम के लिए, तुरंत शीघ्र ही वह कार्य पूरा होगा, आपके सारे रुके कार्य भी सफल होते चले जाएंगे। गंगा के जल में वह बल होता है जो किसी में नहीं, क्योंकि गंगा खुद भगवान शिव की जटा में समाई हुई है। और उस सिक्के को आप कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर भगवान को मानते हुए, साक्षी मानते हुए उसमें जल में डालेंगे और स्वयं कुंदकेश्वर भगवान ही उस सिक्के में विराजमान रहेंगे। क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा ही किया जाता था, जब बारिश नहीं होती थी तो एक सिक्का लेकर के किसी भी बर्तन में डाल दिया करते थे और उसे जल से भर दिया करते थे, क्योंकि यह सिर्फ कुंदकेश्वर भगवान के लिए किया जाता है। जो भी हमारी इच्छा हो उसे पूरी करवानी हो तो आप कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर के एक बर्तन में गंगा का जल लें और सिक्का उसमें डाल दें, आपका हर कार्य सिद्ध होगा, आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण होगी। पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है यह उपाय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग अगर और भी हमारे उपाय जानना चाहते हैं प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए, तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी उपाय हैं जो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, उन्हीं उपायों में से आपकी कोई परेशानी का हल निकल सकता है, आप उन उपायों को जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दर्शकों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छोटा सा प्रयास करके देखिए, यदि आपके सबके घर में गंगा जल है और यदि आपका कोई काम बहुत समय से अटका हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा है, लाख प्रयास कर लिया लेकिन कार्य नहीं हो पाते, आप किसी कार्य के लिए जाते हैं वह कार्य बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है, आप निराश होकर घर आ जाते हैं, दिन से लगे हुए हैं, यह काम होना ही चाहिए लेकिन नहीं हो पाता, काफी परेशान हो चुके हैं, उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आप एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए। गंगा का जल निकालने के बाद आपको एक सिक्का लेना है, आपकी मर्जी है, आप एक का सिक्का लें, दो का लें, दस का लें, पांच का लें, जैसा भी आपको सिक्का लेना है, सिक्का ही लेना है, उसे आपको अपनी हथेली पर रखना है और ले जाना है किचन में, घर के जहाँ पर पीने का पानी का स्थान हो वहाँ पर ले जा करके आपको उस कटोरी को रखना है और उस सिक्के को अपनी हथेली पर रखकर कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए डाल करके रख दीजिए। और जब भी आप कहीं जाना हो उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं लेकिन वह कार्य नहीं हो पाता, आप जाने से पहले उस जल को अपने नेत्रों से लगा करके फिर निकलिए काम के लिए, तुरंत शीघ्र ही वह कार्य पूरा होगा, आपके सारे रुके कार्य भी सफल होते चले जाएंगे। गंगा के जल में वह बल होता है जो किसी में नहीं, क्योंकि गंगा खुद भगवान शिव की जटा में समाई हुई है। और उस सिक्के को आप कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर भगवान को मानते हुए, साक्षी मानते हुए उसमें जल में डालेंगे और स्वयं कुंदकेश्वर भगवान ही उस सिक्के में विराजमान रहेंगे। क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा ही किया जाता था, जब बारिश नहीं होती थी तो एक सिक्का लेकर के किसी भी बर्तन में डाल दिया करते थे और उसे जल से भर दिया करते थे, क्योंकि यह
सिर्फ कुंदकेश्वर भगवान के लिए किया जाता है। जो भी हमारी इच्छा हो उसे पूरी करवानी हो तो आप कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर के एक बर्तन में गंगा का जल लें और सिक्का उसमें डाल दें। आपका हर कार्य सिद्ध होगा, आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण होगी। पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है यह उपाय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग अगर और भी हमारे उपाय जानना चाहते हैं प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए, तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी उपाय हैं जो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, उन्हीं उपायों में से आपकी कोई परेशानी का हल निकल सकता है। आप उन उपायों को जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।